नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल दिन शुक्रवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिहार के लोगों से की खास अपील, किसानों को जल्द मिलेगी धान के बीज की नई किस्म। बिहार में स्कूलों के विकास के लिए करोड़ों रुपए जारी। पंकज त्रिपाठी ने लोगों से ये मेरी फैमिली 3 देखने का किया आग्रह। डेमू और मेमू ट्रेनों में जाने अंतर। पोस्टल बैलेट से जुड़ी अफवाहों को लेकर चुनाव आयोग ने कही ये बात। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन नेवी में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती। इंडियन नेवी में 4108 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के लिए भर्ती से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://marinetime.in/ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी के आवेदक के लिए भर्ती की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 तक चलेगी। आवेदन शुल्क के रूप में आपसे 100 रुपए लिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें तो 17.5 वर्ष से लेकर 27 वर्ष होनी चाहिए। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। किसानों को जल्द मिलेगी धान के बीज की नई किस्म। किसानों को इसी साल से धान के बीज की नई किस्म मिलेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कम पानी और सूखे वाले इलाकों में भी बेहतर उत्पादन वाली नई धान की वैरायटी खोज ली है। संभावना जताई गई है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा इस महीने के अंत तक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लिए अनुशंसा की अधिसूचना जारी की जाएगी। जानकारी के अनुसार ये नई वैरायटी जलवायु के अनुसार ही है। ये सीमित सिंचाई, कम उर्वरक और कम खर्च में उत्पादन देगी। इससे बीज को बिना रोपनी सीधे बुआई से लगाया जा सकेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे जगजीवन राम के बारे में। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1908 में बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। लोग इन्हें प्यार से बाबूजी भी कहकर पुकारते थे। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता व संविधान सभा के सदस्य थे। लोकतंत्र के विकास में इनका अहम योगदान रहा है। 6 जुलाई वर्ष 1986 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। बिजली की बकाया राशि की वसूली करेगी स्पेशल टीम। बिजली की बकाया राशि की स्पेशल टीम वसूली करेगी। ये टीम बकायेदारों के घर घर जाएगी और बकाया राशि इकट्ठा करेगी। वहीं किसी तरह की परेशानी होने पर मौके पर ही परेशानी का समाधान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के साथ ही राज्य भर में वित्तीय साल 2023-24 में 15% बिजली के उपभोक्ता ने पूरे साल एक बार भी बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इनसे अब राशि वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आज टीम का गठन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस टीम में सहायक विद्युत अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता और मानव बल रहेंगे। एसी चलाने से पहले इन कामों को करने से सही रहेगी कूलिंग। एसी चलाने से पहले कुछ कामों को करने से कूलिंग सही रहेगी। मालूम हो कि एयर फिल्टर के गंदा रहने पर एसी की ठंडी हवा कम होती है। साथ ही एक साल पर एसी की सर्विसिंग कराना चाहिए। इसके बाद एसी अच्छे से काम करता है। इसके अलावा इसकी कूलिंग भी सही होती है। इसके लिए आपको किसी अच्छे मैकेनिक की सर्विस लेनी चाहिए। एसी की सर्विसिंग कराने के दौरान गैस लीकेज का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से एसी की कूलिंग फैसिलिटी अच्छी रहेगी और ये और बेहतर काम करेगा। गंगा में तैरते रेस्टोरेंट का होगा निर्माण। बिहार के भागलपुर में गंगा में तैरते हुए रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। वाटर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आम लोग पक्षी, डॉल्फिन आदि का लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही इसके दर्शन करते हुए व्यंजन का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। भागलपुर के साथ साथ आसपास के जिले के लोगों को भी इससे फायदा पहुंचेगा। डीडीसी को उसकी कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में इंग्लैंड वाटर वेज के नॉर्थ जोन के डायरेक्टर एलके रजक के साथ जिलाधिकारी की बैठक हुई है। इस बैठक में कई जिला स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। अस्पतालों में AES और JEE से निपटने को लेकर सचिव ने दिया आदेश। अस्पतालों में AES और JEE से निपटने को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों में 75% दवा की उपलब्धता होनी चाहिए। दवा की 100% उपलब्धता का आदेश दिया गया है। 12 जिलों के अस्पतालों में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश है। गर्मियों की शुरुआत होते ही चमकी बुखार का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे में अलग अलग स्तरों पर अस्पतालों में मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रभावित जिलों के स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह के 4 बजे से ही डॉक्टरों की उपलब्धि को सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है।
मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे 9वें अमीर व्यक्ति। फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में 9वें नंबर पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शीर्ष 10वें हैं। मालूम हो कि रिलायंस इंडस्ट्री का कारोबार तेल से लेकर दूर संचार के क्षेत्र में फैला हुआ है। फोर्ब्स की सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति का $116 अरब की है। वहीं पिछले साल उनकी संपत्ति का मूल्य $83.4 अरब का था। मुकेश अंबानी के बारे में मालूम हो कि वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनिया में उनका नंबर 9वां है। बिहार में स्कूलों के विकास के लिए करोड़ों रुपए जारी। बिहार में स्कूलों के विकास के लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के विकास के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए 3012,85,00,000 रुपए की राशि को जारी किया गया है। राज्य योजना मद से ये राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे विद्यालयों के शौचालय का निर्माण, किचन सेट का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, चार दीवारी और स्कूल के कार्यालय का निर्माण सहित भवनों के मरम्मती का कार्य किया जाएगा। बताया जाता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से राशि की मांग की गई थी, इसके बाद ये राशि जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिहार के लोगों से की खास अपील। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बिहार के लोगों से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की है। दरअसल वो पटना विमेंस कॉलेज में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम की उन्होंने अध्यक्षता की। सभी बिहार वासियों को उन्होंने मतदान में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी है कि पिछले 10 से 15 सालों में हमारे राज्य की महिलाएं निर्वाचन की प्रक्रिया में बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनकी सहभागिता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोरोना काल में भी बिहार के मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया था, वहीं आगे भी उनसे लोकतंत्र में हिस्सा लेने की अपील की है। हमें मतदान क्यों करना चाहिए, कॉमेंट करके जरूर बताएं। पंकज त्रिपाठी ने लोगों से ये मेरी फैमिली 3 देखने का किया आग्रह। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने लोगों से ये मेरी फैमिली 3 देखने का आग्रह किया है। साथ ही अभिनेता ने वेब सीरीज के एक्टर्स को शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साह बढ़ाया है। दर्शक फिर से अवस्थी परिवार के साथ अपनी पुरानी यात्रा को शुरू करने वाले हैं। इसी बीच पंकज त्रिपाठी ने लोगों से इस वेब सीरीज को देखने का आग्रह किया है। इस कारण दर्शकों में भी सीरीज को देखने का उत्साह बढ़ चुका है। सीरीज के एक्टर राजेश कुमार ने सोशल मीडिया हैंडल पर पंकज त्रिपाठी का एक वीडियो शेयर किया। एक्टर ने सीरीज के सफलता के लिए शुभकामनाएं दी है। पंकज त्रिपाठी का एक्टिंग आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सरकारी स्कूलों के समय को लेकर आया अपडेट। पटना में सरकारी स्कूलों के समय को लेकर अपडेट सामने आया है। मालूम हो कि शिक्षा विभाग ने अभी स्कूलों की सुबह की शिफ्ट पर रोक लगा दी थी। हर साल 1 अप्रैल से गर्मी को लेकर स्कूलों के समय में बदलाव किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी ओर 15 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में सुबह 10 बजे से कक्षा का संचालन किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में पूरे दिन बच्चे स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के मॉर्निंग शिफ्ट के संचालन पर रोक लगाई है। कहा जा रहा है कि ग्रीष्म अवकाश के बाद और अधिक गर्मी पड़ेगी, उस दौरान इस पर विचार किया जाएगा। डेमू और मेमू ट्रेनों में जाने अंतर। भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। सभी लोगों ने डेमू और मेमू ट्रेन के बारे में सुना है। इनके बीच के अंतर के बारे में भी सभी को जानकारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा 4 अलग अलग तरह की ट्रेनें चलाई जाती हैं। इसमें डेमू, मेमू, ट्राम, मेट्रो और सामान्य ट्रेन शामिल है। EMU डेमू या मेमू ट्रेन एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है। इसमें अलग से इंजन या लोकोमोटिव लगे हुए नहीं होते हैं, जबकि बाकी ट्रेनों में अलग से इंजन लगाया जाता है। ये पूरी ट्रेन को खींचता है। इस कारण से ही ये ट्रेन अधिक लंबी दूरी को तय नहीं करती है। इसे शहर या अंदर या नजदीक के शहरों के बीच ही चलाया जाता है। EMU ट्रेन बिजली के तारों से बिजली लेकर चलती है। EMU में परिवर्तन कर इसके सड़क के लेवल के बने स्टेशनों को ध्यान में रखते हुए इसमें सीढ़ियां लगाई गई, तो इन्हें मेमू कहा गया। डीजल से चलने वाली ट्रेनों को डेनू कहते हैं। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पटना में 10 लाख रुपए के साथ 12 लोगों को पकड़ा। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पटना में 10 लाख रुपए के साथ 12 लोगों को पकड़ा है। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के पास ये कार्रवाई की गई है। 2000 रुपए के 9,74,000 रुपए के साथ 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंटेलिजेंस को 5 करोड़ रुपए के बदले जाने की सूचना थी। इसके बाद इंटेलिजेंस की ओर से ये एक्शन लिया गया है। ये रुपए 2000 रुपए के बंद होने वाले नोट हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल मई के महीने में इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया था। इसके बाद इसे बदलने का खेल किया जा रहा था।
पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों को लेकर निगरानी ब्यूरो को दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों को लेकर निगरानी ब्यूरो को आदेश दिया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसमें याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया है कि सरकार ने पंचायतों में नियमित शिक्षकों की भर्ती किस दौरान कई फर्जी शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र देकर नियुक्त हो गए हैं। इसमें कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को जाँच जारी रखने का निर्देश दिया है। निगरानी विभाग की ओर से भी जाँच हुई है। इसमें करीब 2019 प्रमाण पत्र नकली पाए गए हैं। पिछले दो साल में 2561 के खिलाफ 1337 FIR दर्ज हुआ है। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी आग लगने की घटना। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही आग लगने की घटना में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की खबर लगातार सामने आ रही है। इसी बीच मुंगेर में गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। 15 किसानों की कई बीघा में लगी फसल जलकर राख हो गई है। आग लगने के बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। धरहरा प्रखंड के सिंधिया जानी बहियार की ये पूरी घटना है। आपको बता दें कि खेत में आग लग जाने के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पोस्टल बैलेट से जुड़ी अफवाहों को लेकर चुनाव आयोग ने कही ये बात। सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट से जुड़ी अफवाह फैलाई जा रही है। ये दावा किया गया है कि पोस्टल बैलेट में चुनाव आयोग ने बैलेट ही गायब कर दिया। इस कारण कोई भी सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट की मदद से मतदान नहीं कर सकेगा। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से इसका खंडन किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि पोस्टल बैलेट से मतदान करना सुरक्षित है। निर्वाचन आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि कोई भी कर्मी निश्चित तौर पर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकता है। राजद ने लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। राजद ने लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। आरजेडी की इस लिस्ट में 40 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल है। इसमें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद के नेता अब्दुल बारिकी सिद्दीकी, मनोज झा भोला यादव, भाई वीरेंद्र, फैजल अली, डॉक्टर तनवीर हसन आदि का नाम शामिल है। मालूम हो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने चुनाव में अकेले ही प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन इस बार 40 नेता चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस और राजद के दो नेताओं ने थामा भाजपा का हाथ। कांग्रेस और राजद के दो नेताओं ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और भाजपा का दामन थाम लिया है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र प्रसाद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा हैं। इन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे और संजय मनसुख की मौजूदगी में भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दोनों नेताओं ने पार्टी के मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान विनोद तावरे ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस अपनी पार्टी को खुद ही खत्म करने में लगी हुई है। कांग्रेस की आलाकमान बिहार पर फैसले थोप रही है। इस कारण कांग्रेस के नेता राज्य में नाराज है। पप्पू यादव के पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करने पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस ने नामांकन करने की इजाजत नहीं दी है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला पार्टी के आलाकमान की ओर से तय किया गया है। ऐसे में जो सीट कांग्रेस को नहीं मिली है उसमें किसी को भी नामांकन करने की इजाजत नहीं है। इससे ज्यादा इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बीमा भारती को जिताने में मदद करेगा। बिहार में सिर्फ दो सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी AIMIM। बिहार में सिर्फ दो सीटों पर AIMIM लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बिहार में 13 सीटों पर AIMIM ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। इसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ दो सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस बात की जानकारी दी है कि AIMIM सिर्फ किशनगंज और अररिया की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि बिहार में AIMIM को चुनाव प्रचार के लिए अधिक समय नहीं मिल सका, इसलिए पार्टी ने यह फैसला लिया है। AIMIM के इस निर्णय के बाद जदयू के MLC खालिद अनवर ने कहा है कि AIMIM महागठबंधन के साथ हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें CM नीतीश कुमार और ललन सिंह समेत 40 नेताओं को जगह मिली है। मालूम हो कि इस लिस्ट में वशिष्ठ नारायण सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, विजेंद्र यादव, संजय सिंह, लेसी सिंह, रामनाथ ठाकुर, रत्नेश सदा सहित कुल 40 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल है। वहीं KC त्यागी का नाम इसमें शामिल नहीं है।
आईपीएल 2024 में आज सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के भिड़ंत। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होने जा रहा है। पिछले मैच में सीएसके का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हुआ था और दिल्ली की टीम से सीएसके की हार हुई थी। इस कारण कहा जा रहा है कि इस बार सीएसके पूरी कोशिश की कि वो इस मैच पर कब्जा करे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। इस मैदान पर इस सीजन का एक ही मैच हुआ है, उसमें टीम के अच्छे रन बन रहे थे, इस वजह से इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि सनराइजर्स हैदराबाद को घरेलू मैदान में खेलने का फायदा मिल सकता है। आपके अनुसार सीएसके के लिए बैटिंग ऑर्डर में धोनी को बल्लेबाजी में ऊपर आना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1949 को हुई थी। भारत सरकार की ओर से प्रायोजित पहली इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1961 में हुई थी। नौसेना ने 1964 में पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया था। देश का पहला नौसेना संग्रहालय 1979 से में मुंबई में खुला था। भारत म्यांमार व थाईलैंड के बीच 2002 में मोरे कलावा मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति हुई थी। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ था। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता बाबू जगजीवन राम का जन्म 1908 में हुआ था। आज के दिन को राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे और समता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गूगल एआई सर्च के लिए खर्च करने होंगे रुपए। गूगल में अब एआई सर्च करने के लिए रुपए खर्च करने होंगे। एआई सर्च इंजन को लेकर फिलहाल गूगल की ओर से काम किया जा रहा है। कंपनी जल्दी सर्च इंजन पर प्रीमियम फीचर जोड़ने की घोषणा कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है। बताया जाता है कि कंपनी का नया फीचर गूगल की सब्सक्रिप्शन सर्विस का हिस्सा हो सकता है। वहीं फिलहाल गूगल सर्च को लेकर किसी भी तरह का कोई बदलाव पेश नहीं किया जा रहा है। कंपनी के नए प्रोडक्ट को पेड बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं गूगल सर्च इंजन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये पहले की तरह सभी के लिए मुफ्त होने वाला है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन बी है वायु सुरक्षा, ऑप्शन सी है तट सुरक्षा, ऑप्शन डी है साइबर सुरक्षा। इसका सही उत्तर है समुद्री सुरक्षा। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है जैनिक सिनर ने, ऑप्शन बी है ग्रिगोर दिमित्रोव ने, ऑप्शन सी है रोजर फेडरर ने, ऑप्शन डी है डेनियल मेदवेदेव ने। इसका सही उत्तर है जैनिक सिनर ने। हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगैसी, ऑप्शन सी है गुकेश डी, ऑप्शन डी है मैग्नस कार्लसन। इसका सही उत्तर है अर्जुन एरिगैसी। बिहार के किस जिले में मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है छपरा, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है पटना। बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है छात्रों ने, ऑप्शन बी है किसानों ने, ऑप्शन सी है जमींदारों ने, ऑप्शन डी है मजदूरों ने। इसका सही उत्तर है छात्रों ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है पंकज कुमार दास, राजेश मांझी, राजीव कुमार, जय सोनू कुमार, ताती रणविजय कुमार, नंद कुमार सिंह, सूरज कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, पवन सिंह, अमित कुमार, रंजीत मिश्रा, संघर्ष कुमार, रितेश पासवान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार का सबसे साफ सुथरा जिला कौन सा है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।